दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे 1969 की सुपरहिट पिक्चर्स के बारे में। 7 नवंबर 1969 को शक्ति सामंता साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म आराधना। मुलजिमा को अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी नहीं। फिल्म के डायरेक्टर थे शक्ति सामंत और डायलॉग्स लिखे थे रमेश पंत साहब ने। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत दिया था एस डी बर्मन साहब ने। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फरीदा जलाल, सुजीत कुमार, अभी भट्टाचार्य, अशोक कुमार और पहाड़ी सान्याल। तेरा सर माली सुबह धोबी दोपहर में, अब अगर वापस आया तो पग लगे। दीदी ये 1970 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर दिया गया था। कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। जी मैं पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंककर मारी तो। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट्स कीजिए, हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको अपने नौकर समझी थी। जी जी मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पर बहुत गुस्सा आया था और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी कड़ाके की सर्दी। फिल्म आराधना के एक्टिंग के लिए 1970 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में शर्मिला टैगोर को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर दिया गया। अरे आप नमस्ते। नमस्ते, आज भी आपकी छुट्टी है? बीनो, इतनी परेशान क्यों, क्या सोच रही? अब मैं बाबा के सामने कैसे जाऊंगी? क्यों, हमने कोई पाप नहीं किया? नहीं अरुण, हम अपने होश खो गए। 5 दिसंबर 1969 को राज खोसला साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म दो रास्ते। ये हिम्मत, अगर तेरे में हिम्मत है तो आगे बढ़कर तोड़ देने उसकी हिम्मत। मैं 9 नंबर में तेरा नाम लिख देता हूँ। बच्चे बोल लिखा, अगर 24 घंटे के अंदर मैंने इस पंछी को अपने हाथों से दाना नहीं खिलाया तो मेरा नाम। फिल्म के डायरेक्टर थे राज खोसला साहब और फिल्म के डायलॉग लिखे थे अख्तर रोमानी साहब ने। आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, क्या मैं कैसे कह सकती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। जी बंदा तो नाचीज है, आपके कदमों की खास। आप हमारे दिल से तो पूछिए। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज, बलराज सानी, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, कामिनी कौशल, बीना, जयंत और असित सेन साहब। उसके सिवा इस पर और कोई नहीं बैठता। वेरी गुड, तो फिर इस कुर्सी को उनके कमरे में रहने दो। यहाँ तक आकर बैठने की तकलीफ भी ना होगी और फिर इस अनमोल कुर्सी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। फिल्म का बजट था 1,30,00,000 रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 6,50,00,000 रुपए कमाए थे और फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। बड़े घर की लड़कियों की याददाश्त भी बड़ी कमजोर होती है, शाम की बात रात को भूल जाती है। बात करने का अंदाज देखा आपने? ये तो आजकल आपका अंदाज देखा। सचिन, मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर नीरा ने तुम्हें कुछ कहा भी है तो वो तुमसे बड़ी है, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। भैया अगर मेरी गलती हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है सचिन? बच्चे रेडियो खराब कर रहे थे, नीला ने उन्हें मना किया तो इसने सारा फर्नीचर हमारे कमरे में ठोस दिया। 7 मई 1969 को देवेंद्र गोयल साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म एक फूल दो माली।
शौक से आ जा, सेव बनाकर पेड़ पे लटका दूंगी। मंजूर है। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे मुश्ताक जलीली साहब ने और फिल्म का डायरेक्शन दिया था देवेंद्र गोयल साहब ने। चोर कैसे पकड़ते हैं? पुलिस इसकी आवाज और चोर की आवाज मिलाकर देखती है और फौरन पकड़ लेती है। समझ गई। फिल्म के कलाकार थे संजय खान, साधना, बलराज सानी, दुर्गा खोटे, ब्रह्मचारी श्याम, प्रवीण पॉल। बुरे इसलिए कि आपकी वजह से डांट खानी पड़ी मुझे। किसने डांटा? माँ ने। मुझे मैं आपके कमरे में आई थी ना, माँ को मालूम हो गया। कैसे? उन्होंने देख तो नहीं लिया? मैंने बताया, खूब डांट पड़ी। पड़नी ही थी। फिल्म का बजट था 1,10,00,000 रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 5 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म सुपरहिट रही थी। अब ये दरवाजा सबके सामने खुलेगा। क्यों? क्योंकि डंडों से तुम्हारा स्वागत होगा। वो धुलाई होगी कि नाक, कान, आंख सब साफ हो जाएंगे। मगर मेरा कसूर? यूं किसी शरीफ लड़की के घर में दिन दहाड़े घुसाना मामूली कसूर नहीं। 3 जनवरी 1969 को एफ सी मेहरा साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रिंस। ठहरिए, अजी राजकुमार जी आए हैं, पहले उन्हें देख लीजिए। उन्हें बिठाइए, नंबर आने पर बुलाऊंगा। जी सरकार, चलो। छोरे बुड्ढे, तेरी ही मजाल हमारी प्रजा के सामने हमारा अपमान किया तूने? आपका अपमान नहीं राजकुमार जी, मैंने तो अपने धर्म का पालन किया। फिल्म के गीतकार थे हसरत जयपुरी और फारूक केसर साहब और फिल्म के संगीतकार थे फिल्म के कलाकार थे शमी कपूर, वैजयंती माला, राजेंद्र नाथ, हेलन, प्रवीण चौधरी, अजीत कुमार। इतनी बुरी तरह पीटे जाने के बाद भी शांत हो कैसे? तुम्हें मार का डर ना सही, मुझ पर क्रोध भी नहीं? नहीं। फिल्म का बजट था 1 करोड़ रुपए, फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म हिट। ये रहा मेरा कार्ड, नाम है विदाइकी नाम, काम भी विदाइकी, इंग्लिश बीमा कंपनी में काम करता हूँ। बड़े मौके पे मिले हो, फिलहाल ये खटारा भी चलेगी, ये तो सदा ही चलेगी। 17 जनवरी 1969 को देवेन नैयर साहब ने रिलीज की अपनी थ्रिलर ड्रामा फिल्म इंतकाम। आप लोग खुश हो रहे होंगे कि आपकी साजिश कामयाब हो गई, लेकिन दिल ही दिल में आप जानते हैं मैं बेकसूर हूँ। मुझे जेल भेजकर आपने गुनाह किया है, आपका जमीर आप। क्या बात इंस्पेक्टर? फिल्म के डायलॉग लिखे थे मदन जोशी साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे आर के नैयर साहब। जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दुनिया के आगे रोई थी, चिल्लाई थी, तुम्हारे नाम का वास्ता दिया था, आज दूसरी रीता ने जन्म लिया है, जो इस फरेबी दुनिया का आप मुकाबला करेगी। आज के बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं इस दुनिया से अकेली लड़ूंगी, अकेली बदला लूंगी। बदला लेना इतना आसान नहीं। फिल्म के कलाकार थे संजय खान, साधना, अशोक कुमार, रहमान, राजेंद्र नाथ, हेलेन, जीवन और अंजू महेंद्रू साहिबा। मैं चाहता हूं कि सोहनलाल अपने ही जाल में खुद फंस जाए, मैं चाहता हूं कि वो जिंदा रहे और जिंदगी उसे छीन ली जाए, वो सांस ले लेकिन उसकी हर सांस में आ हो, वो रोए चिल्लाए तड़पे लेकिन उसे तसल्ली देने वाला। फिल्म का बजट था 85 लाख रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 3,50,00,000 रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। इन हीरो को मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर स्मगल किया था, मगर सोहन ने पुलिस को खबर कर दी थी। इत्तेफाक से अगर तुम नहीं मिल जाती तो ये इंतकाम की आग सिर्फ हम दोनों को जलाती रहती, सोहन को उसकी आंच तक नहीं पहुंचती। लेकिन अब ये हीरे हमारी मंजिल की राह में कामयाबी के निशान बन जाएंगे। 7 अक्टूबर 1969 को एल वी प्रसाद साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म जीने की राह।
फिल्म के डायलॉग लिखे थे पंडित मुखराम शर्मा साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे एलवी प्रसाद साहब। लानत है उस जवान बेटे पर जिसके होते उसकी माँ बुढ़ापे में बोझ ढो, और ये बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है मुझे पढ़ाने के लिए नौकरी करें, मुझे कोई खुशी नहीं हुई अपने पास होने की। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। फिल्म के कलाकार थे जितेंद्र, तनुजा, संजीव कुमार, अंजलि कदम, मनमोहन कृष्ण, दुर्गा खोटे, जगदीप और बेला बोस। लेकिन ये तूने हालत क्या बना रखी है अपनी? मैंने नहीं, बेकारी नहीं, हालात नहीं। तुझे मालूम था मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे पास क्यों नहीं आया? यही सोचकर कि अंधेरे में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। 1970 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। देखो देखो किसकी तस्वीर है किसी की? कहीं दिल के आने वाले की तो नहीं? उसी की समझ। फिर तो मैं जरूर देखूंगा। अभी नहीं, क्योंकि जिसकी ये तस्वीर है उसे भी ये मालूम नहीं कि वो इस बटवे का खजाना। फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 3,20,00,000 रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। डैडी, ये हमारी प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर मोहन। 14 फरवरी 1969 को जे ओम प्रकाश साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म आया सावन झूम के। इस स्वागत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम तो बहुत सुना था जयदेव जी, मगर दर्शन आज पहली बार कर रही हूँ। मगर इसे आखिरी बार नहीं समझेगा। फिल्म के डायलॉग लिखे थे शाराशर सैलानी साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे रघुनाथ झालानी साहब। जी नहीं, गले के लिए जरा चटनी से परहेज करता हूँ। अच्छा ये तो बताइए आपने संगीत कैसे सीखा? वो रफी साहब और किशोर साहब दोनों मेरे गुरु हैं। जी, मोहम्मद रफी और किशोर? जी नहीं, खान साहब रफीउद्दीन मंडवी और पंडित किशोर नाथ खंडवी। फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, आशा पारेख, नादिर हुसैन, निरूप रॉय, राजेंद्र नाथ, रविंद्र कपूर, सुंदर, शिवराज, बिंदु और अरुणा ईरानी। क्या करते हो? छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। कैसे नहीं छोड़ेगा? शर्म नहीं आती दिनदहाड़े लड़की से इस तरह प्यार करते हो? तुम कौन होते हो जी हमारे बीच में बोलने वाले? फिल्म का बजट था 75 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 3,00,00,000 रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। कमाल हो यार, मर्द बच्चा होकर हाथ लगाने से शर्माते हो? मेरा तो जी चाहता है तुम्हारे जैसे बंक के नौजवान को सीने से लगा लो। अजीब आदमी हो तुम। कुछ भी हो गुरु, मुझे अपना शिष्य बना लो। तुम गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो। लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ पारा नहीं, केवल एक सुंदरी चाहिए। चाहिए सिखा दो वो काबू करने मंत्र जिससे मैं सुंदरी को अपने काबू में कर सकूं और मेरा कल्याण। 21 मार्च 1969 को जीपी सिप्पी साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म बंधन। 5 साल हो गए, मूल तो मूल की जगह रहा, आज तक इसने ब्याज भी नहीं दिया। दे भी कैसे चाचा, जब ब्याज ही मूल पर भारी हो जाए। वो तो होगा ही बेटा, आखिर व्यापार है। लेकिन इस गरीब के साथ तो व्यापार मत करो चाचा, सूद पर सूद मत डालो, नहीं तो बेचारा उसके बोझ के नीचे दबकर मर जाएगा। मर जाएगा। फिल्म के डायलॉग लिखे थे राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे नरेंद्र बाली साहब। जब जीता है तो तुम्हारे पास आता है। आता है ना? अरे जब मुसीबत पड़ेगी तो आएगा ही। और तुम दो नंबर के भगवान, उसकी मुसीबत दूर करते हो। करते हो ना? वो तो करूंगा ही। हाँ, पर उसकी पहली मुसीबत जाती नहीं, उस पर दूसरी मुसीबत आ जाती है। वो भी बता डालो बेटा। तुम्हारा सूद। सूद? सूद ही नहीं, सूद पर सूद, उस पर भी सूद। नखरे किसी के उठाएंगे नहीं।
फिल्म का बजट था 70 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 2,80,00,000 रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। ए लाडली प्रसाद, कह दे अपने भैया से कि खाना खा ले, कह दे अपने सगे वाले से खा ले, नहीं तो भूखा मर जाएगा। कह दे अपनी जात वाली से, हम इसका छुआ नहीं खाते। तू भी कह दे, खाना है तो खाए, नहीं तो खड्डे में जाए। खड्डे में जा तू, तेरे बड़े, तेरा पूरा कुल, तेरा सारा खानदान। 16 अगस्त 1969 को सुंदरलाल नाहटा साहब ने रिलीज की अपनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिगरी दोस्त। बिल्कुल पागल। अच्छा, मैं पागल हूँ? सुन रही हो माँ, अगर मैं पागल होता तो क्या तुम मुझसे मरते समय ये कहती कि अपने बाप को पाप के रास्ते से बचाना? जैसी माँ वैसे बेटा, दोनों पागल। यानी दोनों सच्चे। पापा एक बात पूछो। हाँ, फिल्म के डायलॉग लिखे थे विश्वामित्र आदिल साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे रविकांत नगायक। अगर इस बूढ़े गरीब की लड़की के बजाय मेरी बहन और आपकी इकलौती बेटी इंदू होती तो? शट अप! अव्वल तो कोई है नहीं, अगर कोई है तो मैं उसके खानदान को खत्म कर दूंगा। मेरे देश में पवन चले पुरवाई। फिल्म के कलाकार थे जितेंद्र मुमताज, पूनम सिन्हा, आगा के एन सिंह, जगदीप, निरूपा रॉय और अरुणा ईरानी साहब। हाय हैंडसम। क्या? अरे यहाँ नहीं, वहां देखो मेरे राजा। अरे ये तो मैं हूँ। फिल्म का बजट था 65 लाख रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 2,70,00,000 रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। धर्मचंद, तुमने कर्जा नहीं लिया मगर तुम्हारे पास कोई गवाह? जी, वही नीलकंठ का बेटा कस्तूरी। कस्तूरी? वो पागल? जो पागल नहीं है मगर उसके बाप ने उसे पागल मशहूर कर रखा है। नहीं धर्मचंद, अदालत उसकी गवाही नहीं मानेगी। नहीं। 28 फरवरी 1969 को मोहन सहगल साहब ने रिलीज की अपनी मिस्ट्री रोमांटिक फिल्म साजन। जी। पहले राइट को, पची लेफ्ट को, लकी नंबर 7 उसी कच मेकअप रूम है। तो आप जानती हैं मैं यहाँ किसके आया हूँ? मिस रजनी को मिलने। हा? नहीं। दैट इज व्हाट आई सेड, हम तो पहले ही बोला था। जा जानी, पहले राइट को, पची लेफ्ट को। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे व्रजेंद्र गौड़ साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे मोहन सहगल साहब। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने इस अखबार में ये सब क्या छुपाया है? मैंने? अरे हाँ, वो, लेकिन उसकी छोड़िए, वो तो उसे सुनी सुनाई छाप दी, लेकिन आप एक जिम्मेदार आदमी है। अच्छा किया खुदा गए। बैठिए, मैं अभी आई। जी। साजन साजन पुकारूं गलियों में। फिल्म के कलाकार थे मनोज कुमार, आशा पारेख, ओम प्रकाश, मदन पुरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राज मेहरा, सुलोचना, जागीरदार, शम्मी और इफ्तखार साहब। आज से कुछ 10 साल पहले मेरी जमीन जायदाद हड़पने के लिए मेरे रिश्तेदार मुझे जंगल में ले गए और लाठियों से मार मार कर मेरी जिंदगी का खात्मा करने लगे कि ऐन उस वक्त शिकार पर जाते हुए अशोक साहब मेरी रक्षा को पधारे। मैं अधमुआ हो चुका था, उन्होंने हजारों रुपए खर्च करके मेरी जान को बचाया। अब तुम ही बताओ, ऐसे देवता का एहसान कैसे भूल जाऊं? मैं उन्हें अपनी खाल की जूतियां भी पहनाऊं ना तो वो भी कम। फिल्म का बजट था 65 लाख रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 2,60,00,000 रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। लाजवंती रजनी की माँ। एक बात कहूँ, उस दिन वो पेपर रिपोर्टर मिस्टर विनोद आए थे ना। हाँ, वो विनोद नहीं है, यहाँ के बहुत बड़े मिल मालिक अशोक सक्सेना है। अच्छा। लेकिन फिर उसे नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? नाम नहीं बदलते तो कुछ भी नहीं होता माँ। क्या? मेरा मतलब है उन्हीं की मदद से ये ड्रामा हुआ है, नहीं तो कंपनी बंद हो जाती। तब तो बड़ी।